कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा किन दो देशों के बीच है, या फिर कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा दो देशों को अलग करती है, कैसे याद करें? इसके लिए याद करना MREF, आपने देखा होगा MR या बैट, ठीक है ना। अब M से हो जाएगा मेनरहीम रेखा, R से हो जाएगा रूस, और F से हो जाएगा फिनलैंड। यानी कि जो मेनरहीम रेखा है ये रूस और फिनलैंड को अलग करती है, या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है, तो मेनरहीम रेखा। याद क्या करना है? MREF। और और भी रूप अंतर्राष्ट्रीय रेखा कैसे याद करें, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा किन दो देशों को अलग करती है, कैसे याद करें, उसके लिए ट्रिक है पोज हिट है। क्या याद करना है? पोज हिट है। देखिए, पो से हो जाएगा पोलैंड, और जा से हो जाएगा जर्मनी, ठीक है, और हिट से हो जाएगा हिंडन वर्ग रेखा, ठीक। यानी कि हिंडन वर्ग जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वो पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। यानी जो हिंडन वर्ग रेखा है ये किन दो देशों को अलग करती है, तो पोलैंड और जर्मनी को। तो याद क्या करना है? पोज हिट है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा दो देशों को अलग करती है, कैसे याद करें? देखिए, मैगी फ्रीज में है, बस इतना याद करना है। मैगी कहाँ पर है? फ्रीज में है। तो मैगी से हो जाएगा मैगी नॉट रेखा, ठीक है। किन दो देशों के बीच में है? फ्रीज से हो जाएगा फ्रांस, और जा से हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। यानी फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? मैगी नॉट अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, ठीक। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। किस इस्पात संयंत्र की स्थापना कब और किसके सहयोग से और कहाँ पर किया गया, इसको याद करने के लिए ये ट्रिक है। दुर्गापुर में 55 टन बालू बह गया, कहाँ पर? दुर्गापुर में। कितना? 55 टन बालू बह गया, बस इतना याद करना है। यहाँ से चार या पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। दुर्गापुर से हो जाएगा दुर्गापुर, 55 से हो जाएगा 1955, 10 से हो जाएगा ब्रिटेन, और बालू से हो जाएगा बंगाल, ठीक है। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में किया गया था, ठीक। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण बिंदु याद हो तो जाएंगे। उद्योग उद्योग की स्थापना किसके सहयोग से कब और कहाँ पर किया गया, उसके लिए ये ट्रिक आपको याद हो गया तो यहाँ से मिल जाएगा आपको चार या पांच अति महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। देखिए कैसे याद करना है। 55 केला जर्मनी से उड़ गया, क्या याद करना है? 55 केला जर्मनी से उड़ गया, बस इतना याद करना है। 55 से हो जाएगा 1955, केला से हो जाएगा राउर केला, जर्मनी से जर्मनी हो जाएगा, उड़ से हो जाएगा उड़ीसा, ठीक। इसका मतलब ये हो गया सन 1955 में राउर केला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में हुआ था, ठीक। तो एक लाइन में चार या पांच अति महत्वपूर्ण और भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनते हैं। और भी इंटरेस्टिंग और फनी ट्रिक्स देखने के लिए राष्ट्र संघ के महासचिव को एक क्रम से कैसे याद करें, अब तक 9 महासचिव बनाए गए हैं, कैसे याद करें? देखिए, 3 डे में यू कुजेबु कोवा गुट के हो जाओगे, बस इतना याद करना है, ठीक। तो 3 से हो जाएगा त्रिगवेली पहले, डे से हो जाएगा डेग हैमरसोल्ड दूसरे, यू से हो जाएगा यू थॉन्ड तीसरे, कु से हो जाएगा कुर्तवाल्दी हिम चौथे, जे से हो जाएगा जेवियर द प्रेज पांचवें, और बू से हो जाएगा बुतरस बुतरस घाली छठवें, को से हो जाएगा कोफी अन्नान सातवें, वा से हो जाएगा वान के मून आठवें, और गुट से हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस, ये 9वें और वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। और भी रोचक ट्रिक्स देखने इस के लिए उद्योग की स्थापना कब हुई थी और किसके सहयोग से हुई थी और कहाँ पर हुई थी, ये सारे क्वेश्चन एक लाइन में मिल जाएंगे। क्या याद करना है आपको? देखिए, याद करना, लाई का दाम 36 से बढ़कर 55 रुपया हो गया, महंगाई भी हो गई है, तो यही याद करना है। क्या याद करना है? लाई का दाम 36 से बढ़कर 55 रुपया हो गया, ठीक है। तो इसमें चार प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक। लाई से हो जाएगा भिलाई इस्पात संयंत्र, 36 से हो जाएगा छत्तीसगढ़, 55 से हो जाएगा 1955, और रूस से हो जाएगा रूस। यानी कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में हुई, 1955 में हुई, किसके सहयोग से?
रूस के सहयोग से हुई। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से एक लाइन में मिलते हैं। और भी रोचक, किस उद्योग की स्थापना कब और कहाँ और किसके सहयोग से हुई, एक लाइन में याद करें। कैसे याद करना है, देखिए 64 रुपये का बोझ बढ़ गया, बस इतना याद करना। देखिए इतनी महंगाई बढ़ रही है, कितने रुपए का बोझ बढ़ गया, 64 रुपये का बोझ बढ़ गया। अगर एक लाइन याद हो गई तो समझ लीजिए आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इसमें चार प्रश्न छिपे हैं। 64 से हो जाएगा 1964, ठीक। रुपया से हो जाएगा रूस, बो से हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट, और जहाँ से हो जाएगा झारखंड। इसका मतलब साफ है कि 1964 में रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना झारखंड में की गई थी। तो याद क्या करना है, 64 रुपये का बोझ बढ़ खो के। गया। सभी गुरु को एक क्रम से कैसे याद करें, देखिए कैसे याद करना है। एक छोटा सा बालक अपने नाना से प्रश्न करता हो, कहता है कि नाना, अंगद को अमर करने के लिए राम ने अर्जुन का साथ क्यों दिया था? तो उसके नाना ने जवाब दिया, इसलिए ताकि गोविंद का राय किशन को बहादुर सिंह बना सके। बस इतना याद करना है, ठीक। नाना से हो जाएगा गुरु नानक देव, सिखों के प्रथम गुरु, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, और जो छठवें होंगे हर गोविंद, सातवें हर राय, आठवें हर किशन, और नौवें गुरु तेग बहादुर, और दसवें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह। तो इस ट्रिक के माध्यम से सिखों के सभी गुरु को एक क्रम से याद कर सकते हैं। किसकी हत्या किसने किया, ठीक है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे याद करें। देखिए, आज की औरतें गोल बिंदी लगाती हैं, बस इतना याद करना। आज की औरतें गोल बिंदी लगाती हैं, बस इतना याद करना, ठीक है। आज से देखिए क्या होगा, आ से हो जाएगा अर्जुन देव, और जा से हो जाएगा जहांगीर, यानी अर्जुन देव की हत्या किसने की थी, जहांगीर ने, ठीक है ना। औरतें अगर याद हो गया तो और से हो जाएगा औरंगजेब, औरंगजेब ने किसकी हत्या की थी, ते से हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। गोल बिंदी, देखिए गोल से हो जाएगा गुल खां पठान, बिंदी से हो जाएगा बिंद, यानी गोविंद, गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने किया था, गुल खां पठान ने। तो बस इतना याद करना है कि आज की औरतें गोल बिंदी लगाती हैं। और भी रोचक ट्रिक्स देखने के लिए और विस्तृत ट्रिक देखने के लिए HL ट्रिकी जी के चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।